बैक टू माई चैनल रियल वन मधु ब्लॉगर। तो आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ आपको अमरूद खाने के फ़ायदे के बारे में। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना, प्लीज़ स्किप मत करना, जिससे आपको सही जानकारी मिल सके। और आज का वीडियो देखने के बाद आपको ये लगेगा कि ये इतना सस्ता सा मिलने वाला फल कितना इम्पॉर्टेंट भी हो सकता है हम लोगों के हेल्थ के लिए। तो बने रहिए मेरे वीडियो में, आगे मैं आपको अपना अमरूद का पेड़ दिखाऊँगी और अमरूद से होने वाले फ़ायदे। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ अपने गार्डन में। देखिए, ये अमरूद है और ये नॉर्मल सा दिखने वाला इतना सस्ता मिलने वाला अमरूद आपके लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकता है ये आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो जो अमरूद की कैलोरी होती है वो बहुत ही लो कैलोरी होती है, तो इसे शुगर पेशेंट भी खा सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा मिठास नहीं होती है और वो इसकी जो मिठास होती है वो शुगर पेशेंट को बिल्कुल भी नुकसान नहीं करती है। और इसमें फ़ाइबर भी बहुत होता है और फाइबर से आपका कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज ठीक होता है, तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। जिसको भी कब्ज रहती हो तो वो अगर डेली अमरूद का सेवन करता है तो उसकी कब्ज ठीक हो जाती है और वो आराम से फ्रेश होते हैं। और ये हार्ट को भी, चूँकि इसमें फाइबर होते हैं तो ये हार्ट को भी बहुत फ़ायदा करता है, आपका वेट लॉस भी करता है, कब्ज़ को दूर रखता है। और एक अमरूद में एक्चुअली विटामिन सी बहुत मात्रा में पाया जाता है और एक अमरूद में जितना विटामिन सी होता है, अगर आप एक दिन 100 ग्राम अमरूद खाते हैं तो आपकी 4 दिन विटामिन सी की ज़रूरत पूरी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इसे आपको डेली यूज़ करना चाहिए अमरूद को। और इस मौसम में अभी बहुत अमरूद बिक रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा बिक रहे हैं और इसमें इम्यूनिटी बढ़ती है। अमरूद खाने से आपकी इम्यूनिटी भी बहुत बढ़ जाती है। इम्यूनिटी ज़्यादा होने से आपकी बीमारियों से लड़ने की शक्ति आपको मिल। अमरूद आपकी डायबिटीज़ के लिए बहुत ही अच्छा है, इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, आई शाइट के लिए भी बहुत अच्छा है। खून के अमरूद खाएं तो खांसी में भी बहुत फ़ायदा करता है। और पिंक अमरूद, अमरूद दो तरह के होते हैं, एक अंदर से जो पिंक निकलता है वो पिंक अमरूद एंटीऑक्सीडेंट आपके बॉडी में बढ़ाता है, उसमें बहुत ज़्यादा होता है। और जो वाइट अमरूद होता है उसमें विटामिन सी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अमरूद का सेवन ज़रूर से ज़रूर करें। और जो लोग किडनी के रोगी हैं, जैसे किडनी का स्टोन है जिनके, तो वो अंदर के बीजे हटा के तब अमरूद खा सकते हैं, अंदर से एक साथ अपने नाइफ से बीज के गुदे को हटा के बाकी अमरूद का सेवन कर सकते हैं। अगर आपको अमरूद के पत्ते से भी बहुत फ़ायदा होता है, अमरूद के पत्ते भी कोलेस्ट्रॉल ख़त्म करते हैं, यानी कि अमरूद का तो फ़ायदा है ही है, साथ में अमरूद के पत्तों से भी बहुत फ़ायदा है। और इससे एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम नहीं होती, एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम को भी ख़त्म करता है अगर आप इसका काढ़ा बना के पी लेते हैं। और काढ़ा इसका खाली पेट पिए तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है और ये बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। और अगर आपके मुंह में छाले हो जाते हैं तो उसके लिए भी ये अमरूद का पेड़ बहुत रामबाण रहता है। अमरूद का जो पत्ता है वो आप उसे उबाल के खाली पेट पीते हैं या चबाते हैं तो आपके छाले भी इससे सही हो जाते हैं और आपकी स्किन की टोन भी ये सही करते हैं। स्किन के लिए भी अमरूद के जो पत्ते होते हैं वो फ़ायदेमंद होते हैं, यानी कि मैं कहना चाहती हूँ कि अमरूद के साथ साथ आप इसके पत्ते भी आपको बहुत फ़ायदा करते हैं। और अगर आप इसे अमरूद के पत्ते को चेहरे पर पीस के लगाएं और 20 मिनट तक लगा रहने देते हैं तो इसकी आपकी टोन अच्छी होती है, आपका कलर फेयर होता है और आपके जो स्किन का कलर होता है वो तो सही होता ही होता है। साथ में जो आपके डार्क सर्किल होते हैं वो भी इससे सही हो जाते हैं और इससे जो पुरानी खांसी होती है वो भी सही हो जाती है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए, और आशा है कि आज से आप लोग अमरूद का सेवन बिल्कुल करेंगे। कोई भी महंगा फल नहीं है ये, इसे आप आराम से अपने डेली यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और जिस फ्रेंड ने चैनल ज्वाइन ना किया हो तो प्लीज़ ज्वाइन कर लेना। ओके, बाय बाय।